फेसबुक पर फेक अकाउंट बना हाई प्रोफाइल महिलाओं से 1 करोड़ की ठगी। आगरा का रहने वाला है आरोपित धोखाधड़ी की शिकार महिलाएं। आरोपित के खिलाफ खोला मोर्चा यूथ हॉस्टल में की प्रेस वार्ता, अधिकारियों से मिल दर्ज कराएंगी अभियोग। आगरा के अलावा दिल्ली, रतलाम जैसे शहरों की है महिलाएं। महिलाओं ने लगाया ब्लैकमेल करने का भी आरोप। फेसबुक पर फेक अकाउंट बना हाई प्रोफाइल महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। आगरा के रहने वाले मोहित ने आगरा, दिल्ली, रतलाम आदि शहरों के अच्छे घरों की महिलाओं को अपने जाल में फंसा ब्लैकमेल करने का आरोप है। ठगी की शिकार महिलाएं एक दूसरे से मैसेंजर से जुड़ी और आरोपित मोहित के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। एफबी से ही जुड़ा था ये 2016 में, और ये मेरे एक रिलेशन में है, उनके म्यूचुअल फ्रेंड में शो हो रहा था और इसने धीरे धीरे मुझसे बातें करना शुरू की और फ्रेंडली हो गया। फ्रेंडली होके इसने अपनी सारी आइडेंटिटी सारी गलत दी, अपने को एसीपी का बेटा, अपनी सिस्टर को एसएचओ, मैं शादीशुदा एडॉप्टेड, मेरा बच्चा मेरे से, मैं बता रही हूँ, इसने अपना एक अच्छा बैकग्राउंड दिखा के मुझसे पेट्रोल पंप दिलाने के झांसे में मुझसे इसने पैसे और गोल्ड लिया। इसने करीबन मेरे से 12 लाख रुपए कैश और 4 लाख रुपए का गोल्ड लिया। तब मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बता दी थी, तो हम लोग आए भी आगरा और तब इसने डर के मारे, हाँ जी मैं दिल्ली से हूँ, तो फिर इसने थोड़ा सा डर के मारे कि भाई इनका गोल्ड वगैरह का काम है और इनकी अच्छी जान पहचान है, तो उसने 4 लाख रुपए मेरे हस्बैंड को लौटा दिए। लेकिन 12 लाख जो मेरे थे वो नहीं दिए इसने, और ये बोला कि तुम अपने हस्बैंड को मत बताना। मेरा यही है कि इस व्यक्ति पे सख्त कार्रवाई हो, हमारी बातें आगे जाए ताकि और लेडीज ना फंसे। हमारी जैसी मतलब जो हमारी नॉलेज में कम से कम 15 से 16 ना जाने कितनी होंगी और कितने लोगों के घर खराब कर रहे हैं। आपके आरोप हैं और किस प्रकार से फुलफिल कर रही हैं आरोप? जी, ये भी मुझसे फेसबुक के जरिए मिला था और इसमें पहले तो इसका फ्रॉड ही इंटेंशन था, लेकिन किसे इसने मुझे अपनी मतलब इमोशनली वो किया, कैप्चर किया और अपनी बहन को अपने आप को बताया कि मैं अनाथ हूँ और मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी बीवी छोड़ के भाग गई है, 4 महीने का बच्चा है। इसने करीब मुझसे 5 लाख रुपए करीब लिए थे। इसने कई बार में पैसा लिया, पहली बार पैसा लिया कि मेरी बहन को अपना फ्लैट बनाना है नोएडा में और मेरी माँ बहुत परेशान कर रही है, तब इसने गोल्ड हाई प्रोफाइल दिखा के आपसे लिया गया। हाँ, तो गोल्ड कौन से तक की बात है? ये 2019 की है, तब इसने गोल्ड गोल्ड और वो लिया। नहीं, कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैंने इसका सर्च किया तब मुझे ये टूमला का पता चला। काफी महिलाओं का आरोप है आपके ऊपर कि उन्होंने वीडियो बनाए, कि आपके साथ भी ऐसा वाक्य हुआ? इसने हाँ करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे गोल्ड और कैश देने के बहाने बुलाया, तो मैंने मतलब इसके झांसे में नहीं आई, इसका शिकार नहीं हुई, तब इसने मुझे अपना पारिवारिक बना लिया। आगरा थी क्या? जी, प्रॉपरली आगरा थी। तो अभी क्या पुलिस प्रशासन से आपकी गुहार? अभी तो ये तो पारिवारिक बन गया, अपने पिता को ले आता है जब पारिवारिक फंक्शन, जब आदमी लेडीज मांगने लगती है। जी, मैंने अभी दी है लेटेस्ट में इसके अगेंस्ट, क्योंकि इसका फादर, इसका पिता और इसकी वाइफ मुझे ये आश्वासन देते रहे कि आप परेशान मत हो, आपका लेंगे, आपका देंगे, हम आपका देंगे। एक झूठी है जो थी इसकी मदर के पास, वो मुझे मेरे पास वापस आ गई और मेरे पास कैश वापस आ गया, मेरा गोल्ड देने के नाम पे पिता और मेरा गोल्ड रह गया। कैसे हुई थी, कहाँ मिला, क्या हुआ? फेसबुक आईडी से दोस्ती हुई, इसने बिजनेस प्लान के बहाने बुलाया अपने ऑफिस में और कुछ ऐसा कुछ ड्रिंक पीने को दिया जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। फिर 2018 के एंड में विंटर टाइम में ही फिर इसने कुछ फोटोज वीडियोस निकाल लिए, मुझे पता नहीं चला और मुझे फिर घर जाने को कह दिया। मैं घर आ गई, मैं अनकॉन्शियस थी। मारुति ढाबे के पास में, ओमेक्स मॉल के पास में मारुति ढाबा है, उसके बगल में एक अंदर रोड जा रहा है, वहीं पर छोटा सा रूम जैसा बना हुआ था, बोला मेरा ऑफिस है, वहाँ से हम प्लान बनाएंगे तुम्हारा बिजनेस प्लान, तुम्हारा बिजनेस एक्सप्लोर हो जाएगा, ऐसे बहाने से लेके गया था। फिर मुझे बोला कि तुम अपने घर जाओ, अब लेट हो गया, तुम घर जाओ, कल बात करेंगे। फिर 2-3 दिन तक मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 3 दिन के बाद मुझे ये मिला बच्चों के स्कूल के बाहर और मुझे दिखाई कि ये सारी इस पर फोटोज वीडियोज़ हैं और अब मुझे ब्लैकमेल करने लगा। जी,
और मुझे पता भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला उस सब के बारे में। फिर जब मैंने इसकी कंप्लेंट के लिए बोला इसको, तो इसने मेरे को धमकियां देनी स्टार्ट कर दी। इसके पास हथियार भी है, इसने मुझे दो बार हथियार दिखाकर डराया है। कितना रुपया आपसे लिया इसने? मुझसे ब्लैकमेल करके इसने मुझसे अभी तक 20 लाख रुपए कैश ले लिया है और 550 से 600 ग्राम करीब गोल्ड। कैश का कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? कैश का रिकॉर्ड ये है कि अपने हस्बैंड के चुराए थे 5 लाख रुपए, मैंने निकाल के दिए उनके क्योंकि मैं मजबूर थी और मैं खुद भी काम करती थी ऑनलाइन बिजनेस। कुछ खाते में ट्रांसफर? नहीं, मैं इतना डरी हुई थी, मेरा नहीं मम्मी थे इतनी झूठ बोला, मेरी मम्मी से पैसे लेने मथुरा भी गया था। तो वो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं चैट वगैरह जिनसे मैं प्रूफ कर सकती हूँ क्योंकि इसने लिया है, ये मना नहीं कर सकता, इसका परिवार पूरा शामिल है। इसकी बहन रीना शर्मा एक बार मेरे घर पे धमकी देने आई, जो करना कर सकती हो कर लो। जैसे तैसे करके मैं इसके घर पहुंची, इसको पता लगाया, मैं इसके घर पहुंची अपनी फ्रेंड के साथ, इन्होंने हमें इतनी धक्का मुक्की और गंदी गंदी गालियां देके लांछन लगा लगा के घर से बाहर निकाल दिया। 2018 के बाद आज क्यों सामने आई है, क्या मामला हुआ? मैं सामने तो मैं बहुत टाइम से आना चाह रही हूं क्योंकि मैं ऐसे रहने वालों में से नहीं हूं, मगर बस वो वक्त था मेरा, मैं डर गई थी इसीलिए मैं देती रही इसको पैसे। कई बार मेरे बच्चे इसको पैसे देने गए हैं, और अगर गवाही देनी है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या है आपका, किस बिजनेस को डेवलप करने के लिए बुलाया गया? मैं ऑनलाइन काम करती हूँ बिजनेस ना, जो उसका मेकअप और कपड़ों का उसको एक्सप्लोर करने के लिए, नया अकाउंट बना के बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपकी मुलाकात किस माध्यम से हुई है? फेसबुक से जुड़ा और फिर कुछ बात हुई तो इसने मुझे कहा कि मैं एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हारा अकाउंट बनाऊंगा तो तुम मिलो, बस मिले तो फिर वहीं पे ये सब कुछ हुआ। उसके बाद इसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे ये सब लूटा। Thank you.